नाइस टू मीट यू। आज हम लोग क्लास 9 से सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है और ये आपका वीडियो क्लिप फर्स्ट देख रहे हैं, क्योंकि चैप्टर 1 में नेक्स्ट अलग अलग वीडियो क्लिप था, ये चैप्टर 2 का वीडियो क्लिप फर्स्ट है। चैप्टर 2 आपका केमिस्ट्री से है। चैप्टर का नाम है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास जो विभिन्न प्रकार के मैटर हैं क्या वो सब के सब प्योर हैं, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि मैटर हमारे आसपास जितने भी हैं वो सब के सब प्योर नहीं है। ऑल द मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर, द मैटर अराउंड अस इज ऑफ टू टाइप्स। हमारे आसपास जो मैटर है वो दो भागों में विभक्त है, एक आपका मैटर है प्योर और दूसरा है इम्प्योर। मैटर के बारे में तो आप लोग परिचित होंगे कि मैटर क्या है, पदार्थ। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइड स्पेस, प्रीवियस चैप्टर में आपको केमिस्ट्री में बताया गया था कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैज मास, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान को घेरती हो और जिसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, कुछ ना कुछ वजन हो, मास हो, उसे हम लोग मैटर बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। तो मैटर जो है दो भागों में विभक्त किया गया, एक आपका प्योर सब्सटेंस है, दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस है। इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग जो है मिक्सचर भी बोलते हैं, इसी को हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर भी बोलते हैं। अब आगे देखिए, प्योर सब्सटेंस को दो भागों में क्लासिफाइड कर दिया गया, एक आपका एलिमेंट्स है जिसको आप तत्व कहते हैं और दूसरा आपका कंपाउंड्स है, यौगिक। यानी प्योर सब्सटेंस जो है दो पार्ट में विभक्त है, एक एलिमेंट्स में और एक कंपाउंड्स में। इम्प्योर सब्सटेंस जिसका दूसरा नाम मिक्सचर है, ये दो तरह का होता है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो आइए बारी बारी से हम लोग प्योर को, इम्प्योर को, एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को, होमोजेनियस को और हेट्रोजेनियस को समझते हैं। टॉपिक व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, शुद्ध। अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस उसको बोलते हैं जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्योर। जैसे लोहा है, एग्जाम्पल आयरन को देखते हैं, अगर आयरन को कट करते हैं, काटते हैं, तो उसमें केवल क्या निकलेगा, आयरन के ही पार्टिकल निकलेगा, दूसरा तो पार्टिकल उसमें जो है गोल्ड का नहीं आ जाएगा, सिल्वर का नहीं आ जाएगा। तो आयरन को काटने पर जो है, कट करने पर केवल आयरन का ही पार्टिकल निकलेगा, तो ये ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल हुआ मेड ऑफ, इसलिए वो आपका जो है प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। नोट ध्यान रखेंगे कि ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस, जितने भी एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो सब के सब आपका प्योर सब्सटेंस है, चाहे वो आपका एलिमेंट के रूप में आयरन हो, चाहे आपका एलिमेंट के रूप में गोल्ड हो, ऑक्सीजन हो, ये सब आपका सब एलिमेंट्स है। कंपाउंड्स में नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सब के सब जो है आपका जो है प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि सब जो है एलिमेंट्स और कंपाउंड जो है दोनों जो है आपका प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत आते हैं। और सबसे खास बात, जो ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मेडअप हो, तैयार हो, उसी को हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। दूसरा आपका टॉपिक है कि व्हाट इज इम्प्योर सब्सटेंस, इसी को हम लोग मिक्सचर भी बोलते हैं, बोलेंगे कि अ मिक्सचर इज वन विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। ये एक प्रकार के पार्टिकल्स नहीं, दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स कणों से मिलकर ये निर्मित होता है, जिसे आप जो है इम्प्योर सब्सटेंस का नाम देते हैं। इसको दूसरे भाषा में भी हम लोग बोल सकते हैं कि अ मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर में जो है दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस का मिक्स टूगेदर एक साथ मिलावट होता है, जैसे आपका साल्ट सॉल्यूशन जो है ये भी जो है आपका इम्प्योर सब्सटेंस है, उसी प्रकार जो है मिल्क भी जो है आपका ये भी जो है मिक्सचर है, इम्प्योर है, क्योंकि इसमें जो है मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स ये सब रहता है। ये सब आपका जो है प्योर और इम्प्योर के ऊपर डिस्कस किया गया, घर से आप लोग इसको स्टडीज कर लेंगे और किताब को रीडिंग कर देंगे, यही आपका होमवर्क रहेगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, डेट्स ऑल बी, थैंक्स, नाइस मीटिंग यू, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।